नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। चिकना घड़ा वही है इमरान खान, जिस पर किसी भी बात का कोई असर होता ही नहीं। वो इतने ढीठ हो चुके हैं कि कोई चाहे कुछ भी कह ले, पूरी दुनिया चाहे उन पर कोई भी इल्जाम लगा ले, उनके खिलाफ कुछ भी कर दे, उनका हर कदम भारत के ही खिलाफ होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब एक तरफ तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून को लेकर देश में माहौल खराब सा है, वहीं पाकिस्तान भी इस पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की टिप्पणी या फिर उनके भारत के खिलाफ किए कुछ भी पर हमेशा उन्हें माकूल जवाब मिला है, तो भला इस बार भारत कैसे चूक जाता। इस बार भी भारत के खिलाफ बयानबाजी का पाकिस्तान को उसी के भाषा में जवाब मिला है। भारत ने इमरान खान के लिए कहा कि इमरान खान की बेतुकी टिप्पणी भारत के प्रति उनकी घृणा और पूर्वाग्रह का परिचायक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव के चंदर ने इमरान खान की टिप्पणी को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान स्वघोषित रूप से मानवाधिकार का हिमायती बनता है, जबकि वहां के अल्पसंख्यकों की संख्या जो कि 1947 में 23% थी, अब घटकर 3% रह चुकी है। पाकिस्तान में कठोर ईश निंदा कानून एक प्रक्रिया के तहत उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण इसके प्रमुख कारण हैं। राजीव चंदर ने कहा कि भारत के खिलाफ कम से कम वो लोग ना बोले जिन्होंने नफरत के आधार पर आतंकवाद की इंडस्ट्री बनाई हुई है। इमरान खान के लिए वही अच्छा होगा कि वो अपने देश और अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करें। CAA पर टिप्पणी करते हुए इमरान खान ने कहा था कि भारत के मुसलमानों को नागरिकता से वंचित रखने के लिए कानून बनाया गया है, भारतीय मुसलमानों के अधिकार छीने जा रहे हैं, इस कानून के खिलाफ भारत में दंगे हो रहे हैं और लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तान के मुताबिक भारत में शरणार्थियों का एक बहुत बड़ा संकट जन्म ले रहा है। पाकिस्तान ने फिर एटमी ताकत की बात की थी, कहा था कि अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो एटमी ताकतों के बीच में टकराव हो सकता है। बता दें कि CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019 अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जो भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़न या फिर किसी और वजह से अपना देश छोड़कर भारत में आना चाहते हैं। इनमें 6 गैर मुस्लिम समुदाय यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय शामिल है। ये भारत की नागरिकता पाने के हकदार आप तब होंगे जब आप इन समुदायों से ताल्लुक रखने के अलावा ये सबूत दे पाएंगे कि आप 31 दिसंबर 2014 के दिन या फिर उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए थे। इस संशोधन बिल के पहले तक भारतीय नागरिकता के पात्र होने के लिए भारत में 11 साल रहना अनिवार्य था। अब नए बिल में इस समय सीमा को घटाकर 6 साल कर दिया गया है। वहीं NRC इससे बिल्कुल अलग है। NRC नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर है, जो भारत में अवैध घुसपैठियों को निकालने के उद्देश्य से एक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NRC प्रक्रिया को हाल ही में असम में पूरा किया गया। हालांकि इसे लागू करने में कई तरह के बदलाव किए जाने की जरूरत है, जिसके लिए देखना दिलचस्प होगा कि ये कब तक हो पाता है। बस लोगों को समझने की जरूरत है कि NRC और CAA में बहुत बड़ा अंतर है।